तो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड अब हम चल रहे हैं आपको लेकर के माता हर्षिद्धि के। अब हम चल रहे हैं महाकाल लोक की तरफ। महाकाल लोक काफ़ी सुंदर बना दिया है, कॉरिडोर है पूरा ये उज्जैन का जो नया इनॉग्रेट किया है माननीय मोदी जी ने। आते हैं महाकाल मंदिर से बाहर निकलते ही आपको महाकाल लोक की कुछ झलक दिखेगी। अभी हम थोड़ा सा क्लिप सेट कर रहे हैं, बाद में आपको पूरा दिखाएंगे। महाकाल लोक अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं भगवान की यहाँ पे। आपको स्पेशल ब्लॉग में आपको पूरी डिटेल मिलेगी इसकी। जैसे कि ओमकार खो गया है, ओमकार मिल नहीं रहा है मुझे, तो मैं अब कॉरिडोर में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ओमकार को, अभी तक मिला नहीं है मुझे। जैसे ही मिलेगा हम आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ था, मैं फ़ोन के लिए रिसिप्ट कटा रहा था क्योंकि अब फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, और ओमकार मेरे से अलग हो गया वही इसी दौरान। अब ओमकार के पास फ़ोन है बट मैं उसे कॉल लगा रहा हूँ तो वो उठा नहीं रहा डर की वजह से। अभिषेक ऑल्सो अभिषेक भी किया हाँ मैंने भी। तो अब वापस चलते हैं बाबा भैरवनाथ की तरफ। जय शंभु, जय श्री महाकाल। सो अब हम जा रहे हैं रामघाट की तरफ जो शिप्रा नदी का बहुत फेमस घाट है। देखते हैं कैसा होता है, मैं पहली विजिट है मेरी, मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है कैसा होता है, देखते हैं। तो रामघाट के मेन रोड पे आपको दिखेगा बड़ा गणेश मंदिर पहला जो है, एंड भीड़ अच्छी खासी है। हम जा रहे हैं माता हर्षिद्धि के मंदिर जो कि बहुत फेमस सिद्ध पीठ है यहाँ की। तो अब आ गए हम माता हर्षिद्धि के मंदिर, चलो आपको दर्शन कराते हैं। ये माता का मंदिर है। तो कहते हैं माता ये सिद्ध पीठ हैं जो यहाँ दर्शन देती हैं। हम भी चल रहे हैं। तो हम बाहर आ गए, मंदिर के दर्शन अच्छे हुए, माता रानी ने आशीर्वाद दिया अच्छे से। तो हमारे अब दर्शन हो गए माता हर्षिद्धि जी के, एंड अब हम जा रहे हैं काल भैरव की तरफ। काल भैरव जो यहाँ के 6-7 किलोमीटर दूर हैं, चलते हैं। ये मंदिर का स्ट्रक्चर है। तो यात्रा यहाँ से ब्रेक करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो। ऊपर खोल लेंगे ना।